नमस्कार, जय हिंद। एमएस क्रिको तंत्र पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और मौजूदा कप्तान हैं। रोहित शर्मा की गिनती दुनिया के सबसे धाकड़ बल्लेबाजों में से की जाती है। रोहित को हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है। रोहित ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत साल 2007 में आयरलैंड के खिलाफ की थी। रोहित अपने करियर में कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं और वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी भारतीय कप्तान के नाम है। तो चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं रोहित शर्मा का पूरा इतिहास। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रोहित शर्मा और मोहम्मद रिजवान में से सबसे खतरनाक ओपनर कौन है। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 को महाराष्ट्र के नागपुर के एक बंसोड़ में हुआ था। रोहित की माँ का नाम पूर्णिमा शर्मा है और वह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से ताल्लुक रखती है। वहीं उनके पिता का नाम गुरुनाथ शर्मा है। रोहित के पिता एक ट्रांसपोर्ट स्टोर हाउस में बतौर केयर टेकर काम करते थे। पिता की कम आमदनी होने की वजह से रोहित की परवरिश उनके दादा दादी ने बोरीवली में की। रोहित शर्मा की फैमिली में उनकी माँ पूर्णिमा शर्मा, पिता गुरुनाथ शर्मा, दादा दादी और एक भाई हैं। रोहित शर्मा की वाइफ का नाम रितिका सचदेव है, जबकि रोहित की एक बेटी भी है जिसका नाम समयरा है। तो दोस्तों, अगर बात करें रोहित शर्मा के शुरुआती करियर के बारे में, तो रोहित ने साल 1999 में एक क्रिकेट कैंप को पहली बार ज्वाइन किया। बता दें कि रोहित ने अपने करियर की शुरुआत बतौर ऑफ स्पिनर की थी और वह थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर पाते थे। हालांकि जल्द ही उनके कोच दिनेश लाड ने रोहित की बैटिंग टैलेंट को पहचान लिया और उनको नंबर 8 से सीधा पारी का आगाज करने भेज दिया। रोहित ने स्कूल टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया और बतौर ओपनर डेब्यू मुकाबले में शतक ठोक दिया। जबकि लिस्ट ए क्रिकेट की बात करें तो रोहित शर्मा ने वेस्ट जोन के लिए अपना डेब्यू देवघर ट्रॉफी में साल 2005 में की। रोहित ने इसी टूर्नामेंट में नॉर्थ जोन के खिलाफ 123 गेंदों पर 142 रन की शानदार पारी खेली और पहली बार लाइम लाइट में आए। हिटमैन ने इंडिया ए की तरफ से अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू साल 2006 में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ किया। इस मैच में रोहित ने 57 और 22 रन की बेहतरीन पारी खेली। रणजी क्रिकेट में रोहित की पहली बार एंट्री 2006-07 में मुंबई के लिए हुई। गुजरात के खिलाफ रोहित ने 267 गेंदों पर 205 रन की लाजवाब पारी खेलकर अपनी काबिलियत का नमूना पेश किया। अगर बात करें रोहित शर्मा की इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री की, तो रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार कदम 23 जून 2007 को रखा। हालांकि इस मैच में हिटमैन को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। रोहित शर्मा ने उसी साल सितंबर में अपना T20 डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ किया। रोहित को अपने टेस्ट डेब्यू के लिए काफी इंतजार करना पड़ा और 6 साल बाद यानी 2013 में रोहित पहली बार सफेद जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे। रोहित शर्मा भारत की तरफ से अब तक कुल 442 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। रोहित ने 51 टेस्ट मैचों में 45.97 की औसत से कुल 3540 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 10 शतक और 14 50 निकली है। वहीं रोहित ने 243 वनडे मैचों में 48 की एवरेज से 30 शतक और 48 अर्धशतक जड़ते हुए कुल 9825 रन कूटे हैं। T20 फॉर्मेट में मौजूदा भारतीय कप्तान ने 148 मैच खेले हैं और 139 के स्ट्राइक रेट से 3853 रन बनाए हैं। फटाफट क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पर रोहित 4 शतक और 29 अर्धशतक जमा चुके हैं। रोहित शर्मा के बेमिसाल रिकॉर्ड्स वनडे क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक रन जड़ने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ साल 2014 में 264 रन की यादगार पारी खेली थी। रोहित वनडे क्रिकेट में 3 दोहरा शतक जमाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। वनडे विश्व कप के एक सीजन में 5 सेंचुरी जमाने वाले भी रोहित एकमात्र बल्लेबाज हैं। भारत की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में रोहित तीसरे नंबर पर आते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित 400 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले प्लेयर हैं। अगर बात करें रोहित शर्मा को मिले अवार्ड्स के बारे में, तो रोहित शर्मा को साल 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2015 में मौजूदा भारतीय कप्तान को अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था। साल 2020 में रोहित को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। साल 2020 में ICC ने रोहित को वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा था। वहीं BCCI ने रोहित को 2010 से 2020 के दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुना था। अगर बात करें IPL की, तो इसमें भी रोहित शर्मा का जलवा देखने को मिला है। रोहित शर्मा का IPL में भी रिकॉर्ड बेमिसाल रहा है। रोहित IPL में अब तक कुल 243 मैच खेल चुके हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 130 के स्ट्राइक रेट से 6211 रन निकले हैं। रोहित के नाम इस लीग में 1 शतक और 42 अर्धशतक दर्ज है।
रोहित अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन भी बना चुके हैं। तो दोस्तों ये रही हिटमैन रोहित शर्मा का पूरा इतिहास। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक करते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। जय हिंद।